यस हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर टू 4.1 क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर टू का वन व्हाट प्रॉब्लम है इसमें सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए बोला गया है और इक्वेशन बना लेंगे तो हम सॉल्व भी कर लेंगे बट इन एक्सरसाइज 4.1 ओनली क्या कहेगा फ्लोइंग सिचुएशन तो फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ लेंथ जो है ब्रेथ के दुगना से एक ज्यादा है यानी लेंथ किस पर बेस्ड है ब्रेथ पे तो ब्रेथ को मान लीजिए लेट द ब्रेथ लेट द ब्रेथ लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू एक्स मीटर देन लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट तो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ Twice its breadth का मतलब breadth के दुगना से एक ज्यादा Twice its breadth 2x plus 1 meter 2x plus 1 meter हो गया and area given है 528 area is equal to length into breadth area given है 528 length given है 2x plus 1 and breadth given है x 528 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x इसको उधर ले जाइए इक्वेशन बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0 दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहां पे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कहा गया है यही पे आपका आंसर हो गया अगर सॉल्व करना होता इसको हम लोग फिर सॉल्व कर देंगे एनी मेथड फ्री सॉल्व टू क्वाड्रेटिक इन ए व्हाट प्रॉब्लम We are free solve to any method, factorization method, complete square method, and formula method. But we generally first we try factorization method, otherwise formula method. Any problem in this question? Question number one में कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको ओके इरेज करें इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 कंसेक्यूटिव का मतलब क्या समझते हैं आप लोग लगातार जैसे 1 और 2 3 और 4 11 12 19 20 इस तरह से जो होता है नंबर लगातार जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव बस इसका मीनिंग आपको समझ के रखना है कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार अगर लगातार की बात जब करते हैं हम लोग तो दो दो इंटीजर्स हैं लेट क्वेश्चन नंबर टू लेट द फर्स्ट इंटीजर लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स अनदर इंटीजर या सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन According to question, question क्या कह रहा है आपका question आपसे कह रहा product of two consecutive positive integers is 316 product
and x into x plus 1 is equal to 306. Then x square plus x is equal to 306. And x square plus x minus 306 is equal to 0. X square plus x minus 306 is equal to 0. Any problem? कंसेक्यूटिव में बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपका x और x प्लस 1 लेते हैं. ओके, इरेज करें बोर्ड को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 2 का 3 इसमें एज वाला प्रॉब्लम है. एज, रोहन्स मदर एज इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की मदर का एज जो है रोहन से 26 ईयर बड़ा है. तो हम लोग मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट द प्रेजेंट, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन का प्रेजेंट एज हो गया x इयर्स. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन का प्रेजेंट एज हो गया x इयर्स. ओके, एंड रोहन्स मदर, रोहन्स मदर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 26 इयर्स. द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ इयर्स 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स नाउ का मतलब 3 साल बाद, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मीन्स 3 साल बाद. तो 3 इयर्स नाउ पहले निकाल लेते हैं, एज क्या होगा, 3 इयर्स नाउ एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एंड एज ऑफ रोहन्स मदर, उनका एक्स प्लस 26 था उसमें 3 जोड़ेंगे प्लस 3, this is equal to x plus 29. ये 3 years now का हो गया. Then according to question, इसके बाद according to question क्या हो गया? Here product of their 3 years now is 360. It means x plus 3 into x plus 29 is equal to 360. x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 29x, 3 इनटू x 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360, और x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0. एनी प्रॉब्लम? इस तरह से हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चलते हैं.
इस तरह से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्लियर? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। बॉयज एंड गर्ल्स किस तरह से आप इक्वेशन बना लीजिएगा ना, आपको वर्कशीट इस लेसन में 4.1 में सिर्फ वर्कशीट सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए सिखाया गया है। किसी को कहीं कोई दिक्कत हो रहा, क्वेश्चंस को पढ़ते चले जाना है और उसी के हिसाब से वर्क करते चले जाना है। क्वेश्चंस को पढ़ते चले जाना है और उसी के हिसाब से वर्क करते चले जाना है, आपका इक्वेशन बन जाएगा। जिस तरह से आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में बनाया, यहाँ भी बनाया है। यहाँ पे डिफरेंस है कि 99% क्वेश्चन में आपको सिर्फ वन वेरिएबल से वर्क हो जाएगा, जहां जरूरत होगा वहां हम लोग टू वेरिएबल्स भी यूज करेंगे। इट इज क्लियर और नोट? इरेज कर दे, बोर्ड को इरेज कर दे, सबका हो गया, समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एज वाला प्रॉब्लम भी इम्पोर्टेंट होता है, अक्सर पूछा जाता है एज वाला, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका डिस्टेंस वाला, जो अभी नेक्स्ट बताने जा रहे हैं। ए ट्रेन ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर, ए डिस्टेंस है, यूनिफॉर्म स्पीड से कोई ट्रेन चल रहा है। If the speed had been 8 km per hour less, then the would have been take 3 hours more cover the distance. We need to find the speed of the train. इस तरह क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवेन है और सबसे पहले हम मान लेते हैं स्पीड। लेट द स्पीड ऑफ द Let the speed of the train is equal to x kilometer per hour. Let the speed of the train x kilometer per hour. जब distance 480 किलोमीटर है और speed x kilometer per hour है, तो time क्या हो जाएगा? Time is equal to distance by स्पीड, इट मींस 480 बाई एक्स। एनी प्रॉब्लम? यहां तक कोई दिक्कत है? डिस्टेंस 480 दिया हुआ था, हमको स्पीड फाइंड करना है। हमने मान लिया कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, देन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, इट मींस 480 बाय एक्स किलोमीटर पर आवर है, तो ये आपको आवर में होगा, x आवर 40 मिनट्स। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? नो। अब यहां पे कह रहा है स्पीड को क्या करना है, लेस करना है, इट मींस न्यू स्पीड क्या हो जाएगा आपके पास? स्पीड को कम कर रहे हैं तो न्यू स्पीड हो जाएगा एक्स माइनस 8, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। इस न्यू स्पीड के हिसाब से न्यू टाइम क्या हो जाएगा? न्यू टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड 480 बाय x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। आप यहां इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इफ द स्पीड is reduced
8 किलोमीटर पर आवर देन टाइम इज इक्वल टू, या इस तरह से कि न्यू स्पीड कम कर दिया तो x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो उसके हिसाब से टाइम हो गया 480 x माइनस 1। दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस 3 आवर्स है, मतलब 3 आवर ज्यादा या कम लग रहा है। इसका मतलब क्या डिफरेंस, मतलब किसी क्वेश्चन में जैसे अगर स्पीड बढ़ा देगा तो 3 घंटा समय कम लगेगा, स्पीड घटा देगा 3 घंटा समय ज्यादा लगेगा। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कि समय जो भी ज्यादा या कम लग रहा है इसका मतलब कि दोनों समय के बीच का डिफरेंस है। तो दोनों में से जो ज्यादा बड़ा समय होगा उसमें से छोटा वाले समय को माइनस कर देंगे। इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका डिनोमिनेटर कम है, इसका डिनोमिनेटर कम है, एक टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसका मतलब 480 by x minus 8 minus 480 by x is equal to 3। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, और अगर नहीं बनता है तो चैट के थ्रू बताइए, आपको हम बना के दिखाएंगे। सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, अगर नहीं बनता है तो बताइए, चैट बॉक्स के थ्रू आपको बना के दिखाया जाएगा। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, ये आर्यन का है। ओके, ओके, ऋषि दुबे का भी आया है। एनी प्रॉब्लम? ओके, रतन कुमार का आज 10F का वॉच प्लस ज्यादा बना के दिखा रहा है, 10E वाला सब सुस्त हो गया है। चलिए फौरी अभिजीत का गाया, ओके आप सब लोग इसको बना लिए। नेक्स्ट, तो आपका एक्सरसाइज 4.1 में जो वर्ड प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर लिया, उसमें सिर्फ हमको इक्वेशन बना देना था, उसको सॉल्व नहीं करना था। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालना है, वो हम लोग कर चुके हैं। 2 में सॉल्व प्रॉब्लम की एग्जांपल हम छोड़िए, हटाइए, 3 से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड द नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो सम 27 है, तो मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर, दो नंबर का सम है, तो फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, देन सेकेंड नंबर, क्योंकि दोनों का सम क्या है, दोनों का सम 27 है, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज 182,
product of these number is 182. It means x into 27 minus x is equal to 182. Okay. Next, 27x minus x square is equal to 182. Square is kijiye, minus x square plus 27x minus 182 is equal to 0. Or minus common leke hata dijiye, x square minus 27x plus 188 is equal to 0. इसको सॉल्व कीजिए, यहां सॉल्व करके वैल्यू निकालना है. सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कीजिए. सॉल्व कीजिए और x का वैल्यू फाइंड कीजिए. सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. X बराबर 14 और 13, ओके. रतन कुमार का है 13-14, ओके. आर्यन राज का 13-14, हाँ, राइट आंसर, राइट आंसर. गर्ल्स का जवाब नहीं आ रहा जी. अब आया है सान्या कुमारी का. ऑल आर एक्टिव पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो पहले भी सिलेबस किया जा चुका है, आपको रिवाइज करवाया जा रहा है, तो कुछ वर्क आप करिएगा ना रिवीजन में, एकदम नहीं कीजिएगा कुछ. ओके, सबका आ गया होगा. चलिए, नुजत का भी आ गया, वेरी गुड बेटा. तो सबका आ गया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर में कंसेक्यूटिव नंबर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365. तो अब आपको इससे पहले कंसेक्यूटिव के बारे में बता चुके हैं कि लगातार, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम, यानी इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर x प्लस वन का स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365. दिस इज इक्वल टू 365 और x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वन प्लस टू x इज इक्वल टू 365. x स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन माइनस 365 इज इक्वल टू 0. तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0. टू कॉमन लेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस इज इक्वल टू 0. तो आपका इक्वेशन क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. सॉल्व इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इक्वेशन कम से कम आपको बनाओ दे रहे हैं, तो आप इक्वेशन को सॉल्व भी तो कर लीजिए. ओके अमन, 13-14 लास्ट क्वेश्चन का था. नेक्स्ट बनाइए
चलिए ओके वेरी गुड. एनी प्रॉब्लम समझने में? किसी को दिक्कत हो रहा कहीं? कोई प्रॉब्लम है इक्वेशन बनाने में, स्टेटमेंट लिखने में? स्टेटमेंट लिखने में कहीं कुछ बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए. बॉयज एंड गर्ल्स, इस इक्वेशन को बनाने में लिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम है आपको? बॉडी इक्वेशन का इक्वेशन बना ले रहे हैं ना, मेन वर्क तो इक्वेशन बनाना है. अगर इक्वेशन बन गया तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फाइव. द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. एल्टीट्यूड जो है राइट ट्रायंगल का 7 मीटर लेस है बेस से. तो एल्टीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? सपोज दैट दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो एल्टीट्यूड डिपेंड कर रहा बेस पे. तो बेस को मान लेते हैं कि x मीटर है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल 7 सेंटीमीटर लेस, तो x माइनस 7 हो जाएगा. एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? x माइनस 7. एंड इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस क्या है? 13 सेंटीमीटर. इसको भी 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर. आप लिख सकते हैं कि लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. देन एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर. एंड हाइपोटेनस इज आल्सो गिवन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. बहुत बार आप पढ़े हैं, क्लास 10 में इसको प्रूव भी किए हैं. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स. पाइथागोरस थ्योरम होता है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड. यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है. तो इन दिस क्वेश्चन 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, ये a माइनस b के होल स्क्वायर पे टूटेगा. तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 इनटू x इनटू 7, 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49. देन यहां जीरो कर दीजिए, सब उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169. 2x स्क्वायर माइनस 14x 9 माइनस 120 इक्वल टू 0. 2 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 7x 60 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन इन x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 60 इक्वल टू 0. सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्टीट्यूड एंड बेस. पहले आप x का वैल्यू फाइंड कीजिए, x का वैल्यू जो फाइंड कीजिएगा वो हो जाएगा बेस, और उसके बाद आप एल्टीट्यूड फाइंड कर लीजिए. समझ में आई बात?
सॉल्व कीजिए और आंसर को चैट बॉक्स में सेंड कीजिए। X = 12, ओके, X 12 हो गया, इट मींस base = 12 एंड attitude = 12, X - 7, 5, 12 centimeter एंड 5 centimeter, ओके, base = 12 centimeter एंड attitude = 5 centimeter, एनी प्रॉब्लम? तो आप लोगों ने देखा कि इस तरह से हम लोग क्वेश्चन, यस वेरी गुड रतन कुमार, इस तरह हम लोग, आप लोगों ने देखा कि इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वर्ड बाय वर्ड पहले दो बार पढ़ लेते हैं, उसमें जो रिक्वायरमेंट होता है उसको लेट करते हैं और उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है उसको हम लोग सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बार बार बनाइए क्योंकि जितना बार बनाइएगा उतना परफेक्ट होइएगा और जितना परफेक्ट होइएगा उतना ही आसानी से एग्जाम में बनेगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, कुछ ना कुछ भूलने लगते हैं, कुछ ना कुछ छूट जाता है, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है और आपका नंबर कटते चला जाता है। इसलिए है कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, और एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को 5 बार 7 बार 8 बार बनाइए तभी आपको एग्जाम में बनेगा। इसके अलावा जो पढ़ना है वो पढ़िए, अदर देन एनसीईआरटी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद एग्जांपल ढंग से बना लीजिए। एनी प्रॉब्लम? आज जो भी कोई बताया गया है व्हाट प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक का, उसमें कहीं से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में सेंड कीजिए मैसेज। आज जो आपको पढ़ाया गया उसमें कहीं से कोई दिक्कत है तो सेंड कीजिए चैट बॉक्स में, समझ में नहीं आया, बहुत तेज पढ़ा दिए, क्वेश्चन नहीं बना, एनी प्रॉब्लम, ताकि हम उसको फिर रियलाइज करें। टेन ई एंड एफ बोथ क्लास के स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे। तो ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग क्वेश्चन जो इसका है वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जब इसका सारा वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे, एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा, देन आफ्टर हम लोग फिर अदर कुछ बुक से कुछ अलग तरह का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, स्कूल खुला हुआ है, कल भी हम बोले थे स्कूल में प्रिंसिपल प्रेजेंट है, स्कूल में टीचर प्रेजेंट है, सारा वर्क हो रहा है, वर्ली क्लास सस्पेंड है ड्यू टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सो जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमको इजाजत देगा तुरंत हम लोग क्लास सस्पेंड जो है उसको क्लास चालू करते हैं। ओके, इसके लिए आप पेपर देखते रहिए, जैसे इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगा हम आपको दे देंगे। ओके, लेस देन 1 मिनट से भी कम गया, गुड बाय।